किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि आप बड़े सेकुलर हैं, आप बीजेपी से मुख्तलिफ हैं, आप नरेंद्र मोदी से आपकी पॉलिसी मुख्तलिफ है, कहाँ है वाला इशू है, इस पर आपने ट्वीट भी किया था। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही अभी, और ये मैं नहीं, आप NCRB का 2022 का डेटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा मर्डर अगर कहीं पर हुए तो बिहार में हुए हैं। हर तरह के क्राइम वहाँ पर हो रहे हैं, और वहाँ की जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, डिप्टी CM है, ये दोनों ये जो लॉलेसनेस हो रहा है उसको रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आप देखिए कि आरिफ जमाल को उसकी औलाद के सामने मार देना, ये बताइए कितनी बुरी बात है, और अब तक आप उन खातिलों को नहीं पकड़ते हैं। नवंबर में समस्तीपुर में एक ही घर है भगीरथपुर गांव में मुसलमान का, उसको डराकर घर को जलाकर उसको भगा दिए, पुलिस FIR रजिस्टर करने में नाकाम हुई। जुलाई 2023 में पुलिस खुर्शीद आलम को, सोनी कुमार शाह को, जो बिजली नहीं आ रही थी, कटिहार में गोली मारकर उनको मार दिया। जून 2023 में मोहम्मद जहीरुद्दीन, एक 55 साल का ट्रक ड्राइवर था, उसको सारण में मॉब लिंच कर दिया गया पुलिस की मौजूदगी में। खुद एक कैलाश महतो हैं, अप्रैल में बिहार के JDU के लीडर हैं, उनकी हत्या कर दी गई। अप्रैल में रामनवमी प्रोसेशन हुआ सासाराम में, नालंदा में घरों को लूटा गया। बेगूसराय में दो माइनर गर्ल्स थी, 6 और 7 साल की, वहाँ पर इनसे होली के दिन कुछ बदतमीजी की गई। फिर धारवाड़ा विलेज सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 लोगों को पुलिस की मौजूदगी में से लाउड स्पीकर लगाए मस्जिद पर, तो आपने उनको मारा पीटा। नसीब कुरैशी है छपरा बिहार में, मार्च 2023 में उसको ग्रुप ने मुसलमान कहकर उसकी जान ले ली। ये तमाम आप देखिए। फिर एक सैयद सैफुद्दीन जो हैदराबाद का जयपुर एक्सप्रेस में मारा गया था, एक मदद नहीं किया आप, हाँ एक मदद आपने की। असगर अली जो बिहार के थे, जिसमें मरने वाले जो रहते थे राजस्थान में, उनकी मदद नहीं की। बात पर आप कह रहे हैं कि आप बड़े सेकुलर हैं, आप BJP से मुख्तलिफ हैं, आप नरेंद्र मोदी से आपकी पॉलिसी मुख्तलिफ है, कहाँ है? हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े मार रहे हैं, और अब तक आप पकड़ते नहीं हैं। तो ये सब वहाँ पर एक लॉलेसनेस बढ़ रहा है, और जो जिसके दिल में आ रहा है कानून अपने हाथ में लेकर, ये सब हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है, जुल्म हो रहा है गरीबों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, तो मैं इसका कंडेम करता हूँ। ये सरासर नाकामी नीतीश कुमार सरकार की, जो आरिफ जमाल को जिन्होंने मारा है।